महंत जी के निधन से हर कोई शोक में है। वो बहन भी आज भाई को देखने आ पहुंची, जिससे बरसों से जैसे नाता नहीं था। चित्रा त्रिपाठी ने बात की और उस गम को समझा। लेकिन परिवार की एक अहम सदस्य, देखिए नरेंद्र गिरी जी की बहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और यकीनन एक बहन के लिए कितना दर्द भरा वो वक्त होता है जब उनके भाई के बारे में इस तरह की खबरें सामने आए। उनसे हम बातचीत करते हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? प्रतापगढ़ गांव पनियारी। प्रताप से आपको कैसे जानकारी मिली? टीवी देख के आपको जानकारी मिली है। हाँ। तो फिर आप यहाँ पर चले आए। आपसे बड़े थे महाराज जी? हाँ। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी आप लोगों की? बात बहुत दिन है, मतलब बातें कभी नहीं होती थी। बात कभी नहीं हुई थी। परिवार छोड़कर आ गए थे, संत बन गए थे, तो हमेशा यही इसको नहीं, कब हमको ये पता नहीं है कहाँ रहते थे कहाँ नहीं रहते। अच्छा, थे परिवार से उस तरह से संपर्क, आप टीवी देखकर यहाँ पर? हाँ। देखिए ये उनकी सगी बहन है छोटी, और जब से आई हैं ये रो रही हैं। यकीनन एक बहन के दर्द को समझना आसान है जब उनके भाई की इन परिस्थितियों में सुसाइड वो किए हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। आपको लग रहा है कि वो फंदे पे लटक सकते हैं? नहीं, मजबूत दिमाग के थे वो, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, आप चाहती हैं कि जांच हो पूरे मामले की? हाँ। और क्या, कुल कितने भाई बहन थे, कब वो बचपन में महंत बन गए, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? भाई बहन को तो मैं जान सकती हूँ, दो बहने हैं, चार भाई है। दो बहन चार भाई। हाँ। कितने साल की उम्र में वो छोड़कर यहाँ पे महंत जी बन गए थे? वो इंटर तक थे, पढ़े थे। अच्छा, उसके बाद 12वीं तक के वो पढ़े थे, उसके बाद वो नहीं पढ़े कभी? नहीं। तो जब वो घर छोड़कर आ रहे थे तो आप लोगों ने क्या कहा? शादी हो गई थी। आपकी शादी हो गई? हाँ। शादी के बाद कब बात हुई, तो क्या बताया करते थे आप लोगों से, क्या बात? कभी शादी से बाद बात ही नहीं हुई उनसे। तो क्या कहना चाहेंगे आप, आपके परिवार में और कौन कौन से लोग हैं नरेंद्र जी से जुड़ा हुआ, और जो उनके भाई, आपके जो बड़े भाई लोग हैं, वो लोग कहाँ पर हैं? पता नहीं, आए हैं कि नहीं आए। टीवी से आपको कब खबर मिली कि नरेंद्र जी नहीं रहे? 10 बजे। 10 बजे कितने बजे आप चली वहाँ से फिर यहाँ पर आई? कितने बजे आप चली हैं फिर, कितने बजे सुबह यहाँ पहुँची हैं मठ? 9:15 बजे गाड़ी करके आए हैं। गाड़ी करके आई हैं आप? तो आप, भाई तो बड़ा दुलारा होता है, आप तो बहुत प्यार उनको देखती होंगी, उनके बारे में सुनती होंगी, तो अच्छा लगता होगा? हाँ, टीवी पे हमेशा देखत रहे। वो इतने बड़े आदमी बन गए थे आपके परिवार से निकल के, उनका इतना उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा नाम था, अच्छा लगता था उस दौरान? उनके बारे में किससे सुनती थी आप? टीवी में हमेशा देखती थी, आरती करते हुए। अच्छा, प्रयागराज में जब यहाँ पे कुंभ हुआ था उस समय आई थी आप? उस समय तो बड़ा कुंभ हुआ था, महाराज जी का भी रोल था, अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे। नहीं, मैं नहीं आई। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला उलझता जा रहा है। सुसाइड नोट से लेकर साजिश तक के एंगल पर जांच हो रही है। संपत्ति विवाद से लेकर समझौते तक के सच सामने आ रहे हैं। हमारे संवाददाता हर खबर पर लगातार आपके सामने पल पल अपडेट ला रहे हैं। प्रयागराज में मठ के उस कमरे के बाहर से देखिए यह खास रिपोर्ट। इस वक्त हम आ चुके हैं उस छत के नीचे जिसमें कमरे के भीतर लटकती हुई लाश शाम को मिली थी, जब यहाँ पर उनके तमाम भक्तजनों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और उसके बाद नहीं निकले। आप देख पा रहे हैं यही वो दरवाज़ा है, इसको खोल के फिर अंदर के दरवाजे को तोड़ा गया। ये बाहर वाला दरवाज़ा तो खुला हुआ है, अंदर अभी इसको सील कर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंदर इस दरवाजे को सील कर दिया गया है। एक ही कमरा है, इसको ज़ोर से धक्का दिया गया तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने धक्का दिया था वो टूट गया। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको थोड़ा सा दिखाएं। ये ऐसा लग रहा है कि जब मशक्कत की गई थी यहाँ पर फिर इस दरवाजे को तोड़ने की, क्योंकि काफी मजबूत ये दरवाजा दिखाई दे रहा है। नीचे तक देखिए, नीचे का भी हिस्सा दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन संजय। नीचे भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई, और इसके बाद जब कई लोगों ने धक्का दिया तो उसके बाद ये दरवाजा खुला और फिर अंदर महाराज जी की, महाराज नरेंद्र गिरी जी की लटकती हुई लाश मिली। एक ये भी दरवाज़ा है, उसी कमरे के अंदर जाता है। यहाँ के महंत हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ था, कितना समय हो रहा था कल जब ये मामला आया? तो ये मामला वही जब महाराज जी को मंदिर जाने का होता है समय, 4 बजे तक, 4:30 बजे तक मंदिर पहुंच जाते हैं, आरती होती है, तभी ये मामला हुआ। अच्छा, आप लोग दरवाज़ा खटखटाने आए, जब वो नहीं खोले तो फिर उसके बाद यहाँ पर धक्का दिया गया। मैं देख पा रही हूँ कि इसको क्या तोड़ने की कोशिश हुई थी, या किनारे किनारे लकड़ी निकली? हाँ, उसको तोड़े हैं।
हाँ, किस चीज से तोड़ा गया? ऐसे ही धक्का दे करके 5-6 लोग जो है, 5-6 लोग इसको धक्का दे करके तब भी तोड़े। हाँ, अंदर फिर टूट गया। अंदर तोड़े तो देखे तो महाराज जी जो है लटके हुए। तो ये वाला दरवाजा नहीं बंद था, ये जाली वाला? नहीं नहीं, ये नहीं बंद था। अंदर वाला नहीं बंद था, केवल अंदर वाला एक ही दरवाजा बंद था। और ये दूसरी तरफ, ये भी उसी कमरे के? जी, उसी कमरे का है दोनों। कितने कमरे हैं अंदर? पूरा एक हाल टाइप में है, उसी में जो है रहने की पूरी व्यवस्था है। महाराज जी इसी में रहते थे? हाँ, जब VIP नहीं रहते तो ऊपर वाले में है। हाँ, कोई VIP लोग आते थे तो यहाँ मिलते थे, जब ज्यादा लोग आ जाते थे। दोपहर में जब उनको विश्राम करना रहता था तो कहाँ जाते थे? ऊपर वाले में करते, इसमें नहीं जाते थे। तो कल संदेह नहीं हुआ कि महाराज जी इसमें, जब ये मेहमानों का कमरा है, उन्होंने कहा कि कोई आने वाला है, किसी से मिलने वाले थे? किसी से मिलने वाले कहे तो यही वहाँ के हो जाने। आप देखेंगे कि इस दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ा गया अंदर। इसको जरा पकड़िए आप, ये जाली का दरवाजा खुला हुआ था, यहाँ आप देखेंगे तो इसको धक्का देने के बाद ये पूरी लकड़ी निकली हुई दिखाई दे रही है। नीचे के तक भी आप अगर देखेंगे तो पूरी लकड़ी निकली हुई दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ भी जाइए संजय, और दूसरी तरफ भी यही वो घर है। दूसरी तरफ भी यहाँ पर आप देख पा रहेंगे ये सब निकला हुआ है। और अंदर जब दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई, पहले वाले को भी और दूसरे वाले को भी, तब ऐसा लग रहा है कि ये निकल गया। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का राज कैसे खुलेगा? सुसाइड नोट, फोन कॉल, कोई और वीडियो या CCTV, कमरे के बाहर लगे कैमरे के सबूत मिलने के आसार हैं। अरविंद ओझा की ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज पुलिस है, उसने जार्ज टाउन थाने में 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। और जो आरोपी हैं वो हैं आनंद गिरी, जो शिष्य थे नरेंद्र गिरी के। उसके अलावा जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है, हत्या हो सकती है, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये CCTV कैमरा आप देखिए, और इस CCTV कैमरे का जो एंगल है वो ठीक उस कमरे के सामने है जहाँ पर नरेंद्र गिरी की जो लाश थी वो लटकती हुई मिली थी, नायलोन के रस्सी से, पंखे से। तो ये CCTV जो कैमरा है वो जांच के दायरे में होगा पुलिस के, और इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो प्रयागराज पुलिस इसे आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला ही मानकर चल रही है। और जो आनंद गिरी है उसको हिरासत में लिया, हरिद्वार से 2 लोग हैं उनको हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है, तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो पूरा इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, और हम वो कमरा आपको दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। देखिए, हालांकि भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो यहां पर आने वाले हैं। वो अंतिम दर्शन करेंगे नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का, उसके बाद बहुत मुमकिन है कि वो मीडिया को भी एड्रेस करें। जहां तक इस पूरे केस की बात है तो तरह तरह के जो उनके शिष्य हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो मौका वारदात से सुसाइड नोट मिला था और जो सरकमस्टेंस थे क्राइम सीन पर, जिस तरह से शिष्यों ने बताया कि जो दरवाजा था वो अंदर से बंद था, दरवाजे को तोड़ा गया, डेड बॉडी को नीचे उतारा गया, उसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। बाघम्बरी गद्दी में मौजूद हूँ, और ये जो बाघम्बरी गद्दी है यहीं पर जो महंत नरेंद्र गिरी है वो रहते थे। और हम आपको दिखाना चाहेंगे वो कमरा जहां पर उनकी लाश पंखे से लटकी हुई थी। दरअसल ये जो पूरा मठ है, इसी मठ में जो है नरेंद्र गिरी रहते थे। और जो सामने की तरफ अगर आप कमरा देखेंगे, वो जो छोटा कमरा आपको दिखाई दे रहा होगा, उसी में तकरीबन 5 से 5:15 बजे का जब वक्त रहा होगा, शिष्यों ने देखा कि जो महंत हैं वो पंखे से लटके हुए, नायलोन की रस्सी से। उसके बाद शिष्यों ने दरवाजा तोड़ा, उनकी बॉडी को नीचे उतारा, उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो छानबीन में मौका वारदात से सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य आनंद गिरी के बारे में लिखा था कि काफी ज्यादा मानसिक प्रताड़ित किया। उसके बाद पुलिस ने हरिद्वार से आनंद गिरी को हिरासत में लिया, साथ ही साथ पुलिस ने इस पूरे मामले में IPC की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बकायदा यहां CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, और ये CCTV कैमरे का जो एंगल है वो सीधे सीधे उस कमरे की तरफ है जिस कमरे में नरेंद्र गिरी की जो बॉडी है वो लटकी मिली थी। तो जाहिर सी बात है जब जांच होगी तो इस CCTV कैमरे को भी खंगाला जाएगा है। लेकिन फिलहाल जांच के दायरे में नरेंद्र गिरी के जो शिष्य हैं आनंद गिरी वो हैं, पुलिस ने हिरासत में लिया, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है, और फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज आज तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज महंत को श्रद्धांजलि दी और कहा कि दोषी किसी भी हाल में नहीं बचेगा। योगी आज मठ पहुंचे और देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने।
जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी, संतों से मुलाकात की जो कि पंच परमेश्वर कहे जाते हैं, जो कि इस मठ में उनकी एक अलग जगह है, वहां से निकलकर जब मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं कि चार बड़े अधिकारी जिसमें कि एडीजी प्रयागराज, आईजी जोन, इसके अलावा डीआईजी और साथ साथ जो कमिश्नर हैं, इन चारों की टीम मिलकर इस पूरे जांच को आगे बढ़ा रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर यह भी इशारा है कि अगर इसमें कहीं कोई फाउल प्ले है, यानी कि कहीं हत्या की तरफ भी आशंका है, इशारा है, तो उसकी भी पूरी जांच होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वो काफ़ी देर तक यहां बैठे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, मुलाकात की और उसके बाद इतनी बातें कहकर वो वापस चले गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक एक करके बातें सामने आ रही हैं, बताया गया कि एक वीडियो भी उन्होंने अपना बनाया है जिसमें कि उन्होंने अपनी बातें, जो मनोदशा है उसे रखी है, छः पेज का उन्होंने अपना एक बाकायदा सुसाइड नोट लिखा है। अखिलेश ने भी महंत को श्रद्धांजलि दी और न्यायिक जांच की मांग की। जांच की आंच को लेकर चित्रा त्रिपाठी की यह खास रिपोर्ट देखिए। देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने यहां पर दर्शन किया है महंत नरेंद्र गिरी जी का और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर उन्होंने निष्पक्ष जांच की बात कही है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से है और आगे की ओर बढ़ते हुए यकीनन जिस तरह का कद रहा है नरेंद्र गिरी जी महाराज का, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, किसी भी पक्ष के लोग हों, वो लोग ज़रूर यहाँ पर पहुँचते रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि चुनावों के दरमियान भी उनका रोल काफ़ी ज्यादा अहम हो जाता था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी है और अखिलेश यादव दर्शन करने के बाद अब बाहर की ओर निकलते हुए यकीनन उनकी ओर से ट्वीट करके भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए थे। जैसे ही यह खबर सामने आई थी हर कोई स्तब्ध है, जिन परिस्थितियों में नरेंद्र गिरी जी की मौत हुई है हर कोई स्तब्ध है। तरह से नरेंद्र गिरी जी की मौत लगातार सवालों के घेरे में है। अब सुसाइड के पीछे की वजह जो अब तक थ्योरी निकलकर सामने आ रही है, क्या आनंद गिरी उनके शिष्य हैं, क्या उनके उकसाने के कारण इस तरह का कदम नरेंद्र गिरी की ओर से उठाना पड़ा, आखिर वो कौन कौन सी वजह रही, किस तरह से सवालों के घेरे में आ गए हैं आनंद गिरी, जो हरिद्वार में थे उनको हिरासत में लिया गया और फिर उनको लाया गया है उत्तर प्रदेश, उनसे लगातार की जा रही है पूछताछ। इस मामले में कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना पुलिस के लिए फिलहाल बड़ी चुनौती बना हुआ है। पूरा का पूरा षड्यंत्र है मुझे फंसाने की, पूरी रूपरेखा तैयार करके उनको मारने की संरचना बना करके, जिस गेस्ट हाउस में वो सोए थे उस गेस्ट हाउस के दो दरवाजे हैं, सीसीटीवी फुटेज में अगर वो आएगा तो दिखेगा कि एक दरवाज़ा जो अंदर जाता है दूसरा बाथरूम से सीधा बाहर निकलता है। हो सकता है कि बाथरूम के दरवाजे से कोई व्यक्ति अंदर आया हो, उनको मार करके लटका करके फिर बाथरूम के दरवाजे से बाहर चला गया हो और पुलिस को केवल ये दरवाज़ा दिखाया गया हो कि एक ही दरवाज़ा है साहब, हो सकता है ये दिखाया गया हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि जाँच होगा तो जाँच और जो फिंगरप्रिंट इत्यादि जो कुछ होता है उसका विषय लिखते थे, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में, थोड़ा सा टूटी फूटी लाइनें उनकी होती थी, बहुत राइटिंग नहीं आती थी, लेकिन लिखते थे वो। और जो उन्होंने 5 से 6 पेज का लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, आपने देखा है उसको? जी मैंने देखा था लेकिन पढ़ा नहीं था उसको, प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा, था आपने मतलब सुसाइड नोट देखा था? जी बिल्कुल देखा था। उसको देखने के बाद क्या लग रहा कि ये महाराज जी की राइटिंग है? एक लिफाफे में था भैया वो। अच्छा। हाँ महंत जी का ही लिफाफा था और वो उसी लिफाफे के अंदर सारी चीज़ें थी। बड़ी बात है कि महाराज जी ने अपने जाने से पहले लिखा तो है ही है, एक वीडियो भी बनाया है अपने फ़ोन में और वो फ़ोन अभी प्रशासन के कब्जे में है। वो वीडियो जब आएगा सभी के बीच में तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। वो कैसा वीडियो है वो? शायद मैंने सुना तो नहीं, बस देखा है उसको कि वीडियो बना है और वो वीडियो शायद वही है जो उन्होंने लिखा है, तो शायद वो समझ रहे होंगे कि मेरे न रहने के पे ये भी सवाल उठाया जा सकता है, तो उन्हें बोल कोई भी ये बात कही है शायद। सुसाइड नोट और अन्य बातें जो बताई गई हैं उसका अभी कंटेंट पूरा स्टडी किया जा रहा है, इसमें पूरी टीम देखकर उसके बाद बताएगी कि कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं। FIR इसमें अभी 6 पेजिस का बताया गया है, लेकिन अभी ये सब चीज़ें सील की जा चुकी हैं और उसके बाद जो तहरीर प्राप्त होगी जिन लोगों का इसमें दोष होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे लोग हैं इसे, बहुत सारे लोग हैं, जब जांच करेंगे उनका मोबाइल का CDR निकलेगा, आश्रम की CCTV फुटेज निकलेगी, लगातार किससे बात होती थी, तीन तीन उनके नंबर थे, तीन नंबरों पे लगातार कौन बात करते थे, क्या डीलिंग होती थी, किससे क्या पैसा लिया, किसको कितना पैसा पहुँचाया गया, वो सारी चीज़ें खुलेगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं उस पीठ का रजिस्टर्ड उत्तराधिकारी था, मेरे नाम पर उन्होंने विल कर रखी थी,
फिर क्या कारण बना अचानक कि उन्होंने मेरे खिलाफ इस प्रकार से मोर्चा खोला? जमीन बेचना चाहते थे, क्यों बेचना चाहते थे, क्या कारण था? मुझे लगा कि ये विषय इतना बड़ा नहीं होगा, हो सकता कि मेरी हत्या हो जाए, मैंने उस समय अंदेशा जताया था। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।